जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और भर्ती प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रयोगशाला तकनीशियन, जो उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा जारी किया गया है। यह जैसे डेट आप देख सकते हैं, ये 19 तारीख के डेट में इसको जारी किया गया है ना। देखिए यहाँ डेट लिखा है आपसे 19/1/2024 के डेट में इसको जारी किया गया है। पूरी बात समझेंगे कि क्या इसमें योग्यता मांगा गया है, कितना पैसा मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह है हमारा प्रेस विज्ञप्ति। उच्च शिक्षा संचालनालय अर्थात महाविद्यालय, ठीक है, यदि उच्च शिक्षा संचालनालय ने विज्ञापन जारी किया गया, इसका मतलब यह है जो प्रयोगशाला तकनीशियन का जो भर्ती है, जो पद है, यदि कोई व्यक्ति को जॉब मिलता है तो ये महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में उनको काम दिया जाएगा, उनको उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो कॉलेज में होगी, उनका जो काम है कॉलेज में होगा, ठीक है। बाकी ये जो आदेश आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हम बाकी देखते हैं कि ये भर्ती की प्रक्रिया क्या है और कब शुरू होगी। तो ये आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 19/1/2024 अर्थात कल पिछला शुक्रवार की डेट से स्टार्ट इसको कर दिया गया है। कब तक चलेगा? 18/2/2024 तक चलेगा, ठीक है। मतलब ये एक महीने का आपको समय दिया जा रहा है। त्रुटि सुधार के लिए 19/2/2024 से लेके 21/2/2024 तक आपको समय दिया गया है। अब इसमें ये समझिए कि इसमें आपको शुल्क लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। जैसे कि पिछले शासन ने जो घोषणा किया था कि किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो इसमें जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी है, मूल निवासी है, उनको किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। वो सीधा अपना रजिस्ट्रेशन करे या पहले से व्यापम में उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो केवल अप्लाई पर क्लिक करें और सिंपल से कुछ जानकारी अंकन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेस विज्ञप्ति के बारे में। अब इधर और अंदर समझते हैं क्या चीज है। अब हम यहाँ पद के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना पद है, क्या है, ठीक है, कितना पद जारी किया गया है, किस किस के लिए कितना कितना पद लागू होगा, किस किस के लिए, मतलब कौन सा वर्ग के लिए कितना कितना पद यहाँ पे मिला गया है। पद नाम आपको पता है प्रयोगशाला तकनीशियन, याद रखिएगा। इससे पहले एक और निकला था प्रयोगशाला परिचारक, है ना। ये जो तकनीशियन है ये ऊपर वाले हैं, जो परिचालक है वो देखिए ये तकनीशियन रहेगा और इसके नीचे रहेगा परिचालक, तो वो उसका जो एग्जाम है विभाग खुद ले रहा है, लेकिन ये वाला एग्जाम व्यापम लेगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि किसको कितना कितना पद, किस किस वर्ग के लिए कितना कितना पद इसमें रखा गया है। टोटल है 260 पद, ठीक है। टोटल कितना पद है? तो टोटल इसमें 260 पद है, टोटल 260 पद है। अनारक्षित में 109, अजय में 32, अजाज में 83 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 36, ठीक है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी आरक्षण है और भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए आरक्षित है, साथ में जो निशक्त जन है OL और HH इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। टोटल 260 है। अब एक मैं आपको बता दूं, यदि कोई मेल है, है ना, यदि कोई OBC मेल है तो उसको कितना पद मिलने वाला है, ठीक है। यदि कोई OBC मेल से यदि कोई बंदा फॉर्म भर रहा है तो उसको कितना पद में इसको फाइट करना है, इसको देखिए मोटा मोटा क्यों, क्योंकि हम ये देखते हैं सीधा 260 पद देखते हैं और इसमें भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए 260 पद लागू नहीं होगा। यदि आप OBC मेल है ना, सबसे पहले हम निकालते हैं कि अनारक्षित मेल में कितना होगा। तो अनारक्षित में टोटल कितना है? 109, और टोटल अनारक्षित 109 है कुल वर्गवार का, ठीक है। टोटल अनारक्षित 109 है। अभी उसके बाद फिर इसी अनारक्षित में से 33 जो है वो महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। 33 पद जो है वो महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। तो हमने क्या है, टोटल अनारक्षित पद है 109, ठीक है। अब टोटल अनारक्षित पद 109 है, उसी 100 में से आपको 33 माइनस करना है क्योंकि इसमें महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है, और 11 पद आप माइनस करेंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए, यदि आप OBC मेल हैं और भूतपूर्व सैनिक और महिला नहीं है तो, ठीक है। तो एक पुरुष के लिए कितना हमको सीट मिल रहा है UR से, UR से कितना सीट मिल रहा है, तो आप करेंगे 109 माइनस 33 और 11, इसके हिसाब से आपको 65 सीट मिलेगा, ठीक है। यदि कोई जनरल का व्यक्ति है, जनरल पुरुष है, ठीक है, जनरल व्यक्ति है, जनरल पुरुष है, तब उनको केवल 65 सीट मिल रहे हैं लड़ने के लिए, मतलब 65 सीट में उनको अपना क्वालिफाई करना है, 105 सॉरी, है ना,
65 सीट में उनको क्वालिफाई करना है यूआर को, यदि वो महिला है, यदि वो जेंट्स है तो, और यदि महिला है तो ये 33 को और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई महिला यूआर है तो इस 33 को और जोड़ेंगे तो 65 में 33 जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। अब ओबीसी मेल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो ओबीसी मेल देख लेते हैं। ओबीसी में कितना सीट है? ओबीसी में है हमारा 36 सीट, टोटल 36 है। उस 36 में से 11 और 4 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 11 महिला और 4 क्या है, भूतपूर्व के लिए है, तो इसमें 11 और 4 को माइनस करेंगे, इसको पूरा माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 21 सीट। अब देखिए, यदि आप ओबीसी पुरुष है, ठीक है, यदि आप ओबीसी पुरुष है तो आपको 21 प्लस 65 सीट मिल रहा है, ठीक है, तो 21 प्लस 65 सीट मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 86। तो कोई ओबीसी पुरुष के लिए वो 86 पद में क्वालियो 86 पद के लिए वो मतलब 86 पद के विरुद्ध अपना एग्जाम की तैयारी करेगा, उनके लिए केवल 86 पद है ओबीसी के लिए। इसी प्रकार आप अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वगैरह सबका निकाल सकते हैं, है ना, मैंने एक निकाल के बता दिया, बाकी आप निकाल के देख लीजिएगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि प्रयोगशाला तकनीशियन इसका पद नाम हो गया, सेवा श्रेणी हो गया तृतीय, वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल है 25,300 से 80,500, मतलब उसका वेतन कभी भी 80,000 से ऊपर जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं इसका जो वेतन भत्ता का जो नियम है जो समय समय पर लागू होता रहता है वो है। अब ये जान लीजिए, वर्तमान वेतन भत्ते के अनुसार से यदि किसी का जॉब लगता है वर्तमान में तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो मिनिमम आपका 37 से 38 हजार, है ना, 37 से 38 हजार रुपया आपका पेमेंट बनेगा कटने के बाद, है ना। इसकी समथिंग आगे पीछे हो सकता है, 1,000 आगे पीछे होगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 37 से 38 हजार का आपका इसमें पेमेंट बनेगा। अब इसमें अनिवार्य अर्हताएं देख लेते हैं, और इसमें परीक्षा अवधि भी रहेगी ना, याद रखिए, परीक्षा अवधि का मतलब है आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। अगला है प्रयोगशाला तकनीशियन, अब इसके लिए हमको अनिवार्य अर्हता ये वांछनीय है, हिंदी और मुद्रा लेखन का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब अनिवार्यता बोलती है, अनिवार्यता क्या है इसकी, स्नातक उपाधि के संबंध में संबंधित प्रयोगशाला का विषय। अब प्रयोगशाला आपको देख, आपका या तो स्नातक मतलब कॉलेज पास, पीजी यूजी अंडर ग्रेजुएट, इसको हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं ना, स्नातक बोला ना, स्नातकोत्तर नहीं बोला, स्नातक बोला है, स्नातक कहा गया है। देखिए, स्नातक मतलब होता है यूजी अंडर ग्रेजुएट, जो कॉलेज किया है 3 साल, यदि वो भौतिक शास्त्र में किया होगा, रसायन शास्त्र में किया होगा, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर ज्ञान, सैन्य विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें से किसी एक में भी यदि उन्होंने कॉलेज पास किया है, अंडर ग्रेजुएट है, तब वो इसके पद के लिए अर्हित है, ठीक है, अर्हित है। तो इसमें से कोई भी एक यदि कोई अंडर ग्रेजुएट है किसी भी एक विषय में, तो इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होगा। और यदि हम इसकी बात करें, क्या कहते हैं, यदि हम आयु की बात करें तो वो 40 वर्ष, और अभी अभी और शासन ने किया कि सभी छूटों को मिलकर वो 45 साल से अधिक नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ शर्तें हैं कि यदि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी अनिवार्य है, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर का व्यक्ति इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता है, ठीक है। और आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय किसी भी प्रमाण पत्र को जमा नहीं करना है, केवल जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा जहां आपको बुलाया जाएगा सत्यापन के लिए, वहां आपको मूल प्रतियां दिखानी होंगी, ठीक है, वहां आपको मूल प्रतियां दिखानी होगी। तो ये कुछ कुछ चीज है जो आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी ये देख लीजिएगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होगी, जैसे व्यापम लेगा, चयन प्रक्रिया में व्यापम लेगा, कितने नंबर का प्रश्न होगा, तो ये 100 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जाम होगा तो इसकी मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसको लिया जाएगा। अब और देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है, उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा जो भी भर्ती किया गया उसमें कुछ रहते हैं, क्या है देख लीजिए, जैसे ओएमआरसीट आप जैसे एग्जाम में भरते, यदि आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है व्यापम में, जो नए अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए क्या होगा, देखिए उनका 60 KB का, ठीक है, 60 KB का क्या होना चाहिए, 60 KB का अधिकतम, ये आपके 60 KB और न्यूनतम 40 KB का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट, फोटो वाला। उसी प्रकार आप यदि आपके साइन स्कैन करेंगे तो साइन भी आपके 60 और 40 KB के अंतर्गत का होना चाहिए, ये फोटो भी और साइन दोनों, ठीक है, और ईमेल आईडी वगैरह बल्कि आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला है व्यापम के परीक्षा के कुछ निर्देश दिए गए, निर्देश क्या है ये तो हमने देख लिए है कि 19 से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, सॉरी फॉर्म भराना किस कब से स्टार्ट हो रहा है,
19 तारीख से फॉर्म भराने स्टार्ट हो रहा है, 18 तारीख को खत्म हो जाएगा फरवरी में, और परीक्षा केंद्र दिया गया है 8 मुख्यालयों में। अब ये जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे ना, जिसमें फॉर्म भराता है साइट में, आपको पता चल जाएगा कि 8 जगह कौन कौन से हैं। अब अभ्यर्थियों को कुछ भी कुछ इसमें हमको मेनली देखना है कि इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, ठीक है, माइनस मार्किंग है कि नहीं ये देखेंगे। तो हमको ये देखिए, यही हमारा जानने के लिए जरूरी था। प्रश्न पत्र में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यदि आप प्रश्न पत्र में कोई विकल्प नहीं चयन करते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, और नीले और काले डॉट पेन से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ऋणात्मक यदि गलत उत्तर देने पर 1/4 अर्थात 0.5 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। और कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो उसके लिए 0 अंक, ठीक है। तो ये था डिटेल, और अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस में देख लीजिए 100 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है, तकनीशियन है, 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 100 नंबर के प्रश्न में 60 नंबर जो है आपके साइंस पोर्शन से रहेंगे, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, पर्यावरण, ठीक है, यहां से आपको प्रश्न को देखने को मिलेगा। इसमें टोटली आपको साइंस को नहीं रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ है, इसलिए जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन के साथ साथ आपको भूगोल और गृह विज्ञान भी आपको पूछा जा रहा है, और पर्यावरण भी। प्रत्येक विषय में प्रश्नों की संख्या समान होगी तथा प्रश्न, अब कितने विषय हैं देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6 विषय हैं और 60 नंबर, यदि इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे एग्जाम, जैसे हमारे इसमें कहा गया है पाठ्यक्रम में, तो उसके हिसाब से 60 टोटल नंबर है और 6 विषय है। अगर इसको भागित दे देते हैं तो 10 अंक का प्रत्येक सेक्शन से पूछा जाना है। जीव विज्ञान से 10 नंबर, भौतिक से 10 नंबर, रसायन से 10 नंबर, भूगोल से 10 नंबर, गृह विज्ञान से 10 और पर्यावरण से 10, इस प्रकार से 10-10 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और जो एग्जाम का जो लेवल है, जो एग्जाम का जो लेवल होगा, प्रश्नों का जो लेवल होगा, वो 11वीं और 12वीं के हिसाब से होगा, ठीक है। जो प्रश्न का जो लेवल होगा वो 11वीं और 12वीं के हिसाब से होगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं आगे और क्या है इसमें। आपको ये तो पता चलेगा कि 60 नंबर का है, और 20 नंबर का आपको कुछ अन्य सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें भारत की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल होगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, वायु, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक स्थल, जो कंप्लीट छत्तीसगढ़ मान लीजिए इसको, ठीक है, इसको कंप्लीट छत्तीसगढ़ मान लीजिए। थोड़ा सा इसमें भारत की भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल को लिया गया है। इसमें आपको इतिहास वगैरह नहीं पूछा जाएगा, इतिहास और जो क्या कहते हैं, इतिहास और हमारा पॉलिटी, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट तीसरा सेक्शन है 20 नंबर कंप्यूटर का, तो 20 नंबर आपको इसमें कंप्यूटर का भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग, प्रमुख भाग, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया, इस प्रकार के आपको 20 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन, अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।